फेस या बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर अनवांटेड हेयर या एक्सेसिव हेयर्स एक बहुत बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए जनरली हम लोग वैक्सिंग कराते हैं या शेविंग करते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लेज़र के द्वारा हेयर के स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी मदद से हम हेयर के ही ग्रोथ को बहुत हद तक इनहिबिट कर सकते हैं। इस लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर के पहले हमें मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली है, हमें वैक्सिंग या ब्लीचिंग अवॉइड करना चाहिए, और दूसरी ये है कि सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल हमें करीबन 3 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। इस प्रोसीजर में सबसे पहले हम जो हेयर्स हैं उनको सॉफ्ट रेजर से रिमूव करते हैं, देन हम जेल अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद लेज़र के शॉट्स देते हैं, जिसमें कि बहुत ही कम वक्त लगता है। थोड़ी सी रेडनेस स्किन पर आती है जो कि मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर चली जाती है। इसके मल्टीपल सेशन होते हैं और 2 सेशंस के बीच में करीबन 1 महीने का गैप रखा जाता है। ये बिल्कुल सेफ और पेनलेस प्रोसीजर है। हमारे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाज़ियाबाद में इनमोड कंपनी की ट्राइटन डायोड लेज़र का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही एडवांस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये पहले की बहुत सारे लेज़र से काफ़ी मामलों में बेटर है और अलग है, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कॉम्बिनेशन से हमारी स्किन फेयर हो या डार्क हो, इवन हमारे हेयर्स भी लाइट कलर के हों या डार्कर हों, उनमें हम बहुत ही सेफली और इफ़ेक्टिवली हम इस लेज़र को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट है। अगर हमें फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल कराना है तो मैक्सिमम 45 मिनट्स का वक्त लगता है। हमारे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाज़ियाबाद में इस लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर्स के जो रेट्स हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल और रिजनेबल हैं, और ये डिफरेंट पैकेजेस में भी उपलब्ध हैं।